आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें 7 किस्म का चीज रहता है जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, रफेज एंड वाटर। 7 किस्म का क्या क्या बोले, फिर से एक बार बोल रहे हैं। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, रफेज और वाटर। तो आज हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स का पहला चीज आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जो भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सब जो खाते हैं ये होता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब हम लोग जो मीठा चीज खाते हैं, मेनली जो हम लोग पेट भरने के लिए जो चीज खाते हैं उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक किस्म का न्यूट्रिएंट्स है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगर हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट देखते हैं तो उसमें मेनली ये तीन चीज रहेगा ही, एक होगा कार्बन, एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा ऑक्सीजन। ये तीन जो एलिमेंट्स है ये तीन चीज से हम लोग का कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें हम लोग का हाइड्रोजन कितना है, 12 है और ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो 2:1, तो ये 2:1 में रहता है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब इसका रेशियो जो फॉर्मूला होता है, इसका जो ऐसे सिंपल फॉर्मूला होता है CmH2O(n)। जैसे ये एम और कभी कभी एन का जैसा भी हो सकता है, कभी एम और एन अलग भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज बोले तो इसमें क्या है, अगर ऐसे फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे तो ये होगा C6H2O6। तो यहाँ एम और एन सेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे जैसे चीनी जो हम लोग खाते हैं उसमें होता है C12H22O11, इसमें होगा C12H2O11। यहाँ जो एम और एन है ये दोनों अलग होगा। अब इसमें अगर हम लोग बोलेंगे कि इसका जो सिनोनिम होता है, जैसे किसी का दो का एक ही, जैसे मतलब कोई एक है इंसान उसका दो नाम है, तो ऐसे इसका जो सिनोनिम है मतलब और एक क्या नाम है, सैकेराइड। अगर हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट देखते हैं तो उसका नाम हम लोग सैकेराइड बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तो ऐसे ही सैकेराइड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग मेनली देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो 4 किस्म का होता है। क्या क्या होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब ये जो हम लोग बोले कार्बोहाइड्रेट, ऐसे जो हम लोग रोटी खाए, मूढ़ी खाए, भात खाए, ये सब जो खाते हैं, तो इसमें जो हम लोग देखेंगे ये 4 किस्म का चीज में ही मेनली मिलता है। अगर मोनोसैकेराइड मतलब इसमें क्या होगा, अगर एक किस्म का ही सिर्फ शुगर रहता है, जैसे हम लोग जो ग्लूकोज खाते हैं, जैसे हम लोग ग्लूकोन डी हो गया, ग्लूकोज डी हो गया, ये जो ग्लूकोज हम लोग लेके आते हैं मार्केट से, उसमें एक किस्म का ही मॉलिक्यूल्स रहेगा, एक किस्म का ही शुगर मॉलिक्यूल्स है, जैसे ग्लूकोज। इसको मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब होता है सिंगल, एक, सैकेराइड मतलब होता है शुगर, तो एक किस्म का शुगर रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड, जो एग्जांपल से ग्लूकोज। डाई, डाई मतलब होता है 2, दो। अगर दो किस्म का अगर हम लोग देखते हैं कि दो को मॉलिक्यूल्स रहता है शुगर का तो उसको हम लोग कहेंगे डाई। और सैकेराइड मतलब ऑलरेडी हम लोग बोल रहे हैं कि सैकेराइड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो दो को अगर कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर का मॉलिक्यूल्स रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे डाइसैकेराइड। जैसे सुक्रोज, जैसे हम लोग देखते हैं जो अगर हम लोग कोई भी जैसे फल का जो रस होता है, जैसे गन्ने का रस होता है, वो होगा डाइसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड में 2 से 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स रह सकता है, जैसे रेफिनोज, ये होगी हम लोग ऑलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल। और पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब होता है ज्यादा, यहाँ होगा 10 से अगर हम लोग देखें 10 और 10 से ज्यादा तो ये होगा हम लोग का पॉलीसैकेराइड, और ये है स्टार्च। अब इसका कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे ये मेनली कार्बोहाइड्रेट सॉलिड होगा, कभी कभी ये पानी में, मैक्सिमम केस में ये पानी में घुल जाता है, और इसको जैसे हम लोग रोटी को थोड़ा सा चबाएंगे, भात को थोड़ा सा चबाएंगे, या मुंह में अगर ग्लूकोज लेते हैं, चीनी लेते हैं, अगर गन्ने का रस लेते हैं, तो वो क्या होगा, उसका स्वीट टेस्ट होगा। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है।
और हम लोग क्या देखेंगे, ये जो हम लोग मीन्स कोई भी मीन्स कार्बोहाइड्रेट को खाए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, हम लोग का बॉडी का अंदर में गया और हम लोग का मैक्सिमम एनर्जी को जनरेट किया, और ये जो एनर्जी है इसको हम लोग किलो कैलोरी में मीन्स से डिटेक्ट करते हैं, या इसको हम लोग किलो कैलोरी में इसको हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाए, अब ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितना हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये 4 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी मतलब होता है 1000 कैलोरी में होता है हम लोग का 1 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम अगर हम लोग मीन्स कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग का शरीर में जाता है, सेल में जाता है, तो वहां से हम लोग का 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। 4 किलो कैलोरी कितना है, अगर हम लोग देखते हैं 1 किलो वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा उसको हम लोग कहेंगे किलो कैलोरी। तो ये जो हम लोग का हीट है वो लगेगा इसको बढ़ाने के लिए। अब हम लोग तो रोटी हो, भात हो, कुछ भी खाते हैं, वो हम लोग का डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वो जाके फिर सेल का अंदर में जाएगा, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वहां से एनर्जी मतलब ये जो किलो कैलोरी है ये प्रोड्यूस होगा। तो ये हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट का बारे में पढ़े, नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा टॉपिक्स न्यूट्रिएंट्स का दूसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।